नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी स्त्री किसी लड़की का प्यार पाना चाहते हैं या आपका प्यार खो चुका है उसे आप वापस पाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे स्त्री वशीकरण का एक और आसान और चमत्कारी उपाय, जिसे करके आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और अगर आप महिला है तो आप यह टोटका किसी भी पुरुष या लड़के पर भी कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी विधि को करने के बारे में कि कैसे आप किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकते हैं, उसे वश में करके अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपको एक इलायची की जरूरत पड़ेगी, जो खाने की इलायची आती है उसकी जरूरत पड़ेगी। इस विधि को आपको दिन के समय करना है, सूर्य उदय के बाद आपको एक इलायची अपने हाथ में लेनी है, दाहिने हाथ में लेनी आपको एक इलायची, और उसे पकड़कर मुट्ठी बंद कर ले और इस मंत्र का 211 बार जाप करें। ओम वह इंसान की जगह आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। काम देवाय कामिनी मम वसम पो स्वाहा, इस मंत्र का आपको 211 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको इस इलायची के दो टुकड़े कर लेने हैं, मतलब इसके टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़ा आपको खा लेना है और दूसरा टुकड़ा आपको उस इंसान को खिलाना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। यह उपाय लगातार आपको ऐसे ही 3 या 4 बार करना है। आप खुद देखेंगे कि वो इंसान आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, आपके वश में होना शुरू हो जाएगा और जैसा आप कहोगे वैसा करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की आपका गुलाम बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जय माता दी।